हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 वेज टू लुक इंस्टेंटली ब्यूटीफुल। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खास तौर से अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर ऑफिस गोइंग हैं या फिर ऐसे भी अगर आप प्रिटी देखना पसंद करती हैं, तो ये 5 तरीके आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी सी बातें जो कि अक्सर लोग अपने दिमाग में नहीं रख पाते और छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर लेते हैं और अपने ओवरऑल लुक को वो बिगाड़ लेते हैं। सो आज की वीडियो में कुछ छोटी छोटी 5 बातें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि आप नीचे यहाँ कभी चोटी ना बनाएं, इससे आप बहुत ज़्यादा एजिड और मेच्योर लगते हैं। इसके बजाय आप एक हाई पॉनिटेल क्रिएट करें, नहीं तो समर्स चल रहा है तो आप हाई बन बना लें कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके का बन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही अच्छा लुक कैरी करता है, साथ ही आप बहुत ही क्लासी एंड ब्यूटीफुल दिखते हैं। सो इस तरीके से आप हाई बन बना सकते हैं या फिर हाई पॉनिटेल कैरी कर सकते हैं, बट लो तेल बिल्कुल भी ना बनाएं, उससे आप बहुत ज़्यादा एजेड दिखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, आप अपने नेल्स में जब भी नेल पेंट लगाते हैं तो उसे हमेशा ही परफेक्ट फिनिश्ड लुक दें, कभी भी उसे खुरदुरा ना छोड़ें, ऐसे आपका नेल और आपका ओवरऑल लुक बहुत ही बुरा लगता है। आपके लिए ये माइनर सी बात हो सकती है, बट जिस किसी से भी आप फर्स्ट टाइम मीट करते हैं उनका ध्यान सबसे पहले इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर जाता है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ भी सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं। सो आप अगर मैनेज नहीं कर सकते हैं तो नेल्स को अभी कभी कभी इस तरीके से भी विदाउट एनी नेल पेंट रखें, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको नेल पेंट्स लगाना पसंद है तो आप उसे मेंटेन भी करें। ये थी मेरी दूसरी पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर टीनेजर हैं या फिर ऑफिस गोइंग हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपल बेबी क्रीम या सीसी क्रीम या बेबी क्रीम, चाहे लैक्मे की या पॉन्ड्स की या अदर ब्रांड्स की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इस्तेमाल करें। उससे आपको हैवी भी फील नहीं होगा, आपकी स्किन को एक अच्छी पॉलिश एंड फिनिशिंग भी मिलेगी, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन 1 to 2 tone ब्राइटर एंड प्रेटियर हो जाती है। प्लस इसको इस्तेमाल करने से अगर आपकी स्किन पर छोटे मोटे दाग धब्बे हैं या फिर पिम्पल्स या तिल वगैरह के निशान हैं तो वो भी हाइड हो जाते हैं। सो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरी ये है कि आप अपने आँखों को कभी भी खाली और सोना ना छोड़ें, इससे आपकी आँख बहुत ही उदास जैसे दिखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं क्रिएट करता। अगर आप टीन एजर हैं तो सिर्फ काजल अप्लाई करें अपनी लोअर वाटर आई लाइन में, और अगर आप विंग आई लाइनर क्रिएट करना चाहती हैं तो बहुत ही हल्का सा विंग आई लाइनर क्रिएट करें। अगर आपको नहीं पता है कि न्यूड और हल्का सा विंग आई लाइनर कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। पॉइंट ये है कि आप अपने क्लॉथ्स में बहुत ज़्यादा खर्च करने से अच्छा अपने बैग और अपने जूतों में खर्च करें। अच्छा सा बैग, जो कि क्योंकि बैग्स हम हमेशा चेंज नहीं करते और बैग्स हमेशा का क्लॉथ्स चेंज होते रहते हैं, बट बैग्स हमेशा ही वही रहते हैं। तो अच्छा सा बैग लें और साथ ही उसके साथ अच्छी सी शूज़ लें या सैंडल या जो भी आप वेयर करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के अच्छा लुक करने वाले होने चाहिए। और एक टिप यहाँ पे मेरी आपको ये रहेगी कि आप जिस कलर के टॉप या टी शर्ट या ऊपर जो भी आप पहने उसी कलर का सेम आप नीचे भी पहने पैरों में, यानी कि जिस कलर का आप टॉप पहने उसी कलर के शूज़ भी पहने। सो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। नेक्स्ट, आप कभी भी अपने लिप्स को ऐसे ही ना छोड़ें, आप चाहे तो लिप ग्लॉस लगाएं, लिप बाम लगाएं, नहीं तो आप न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाएं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर लगाएं, इससे आपका लुक इंस्टेंटली ब्यूटीफुल दिखता है। सो यहाँ पे मैंने अक्सर शेयर किए हैं 5 different ways टू लुक इंस्टेंटली ब्यूटीफुल। होपफुली आप वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, सो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड